खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। और ये बॉलर चले और बॉल की ओर, पूजे विजाजी का शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर बॉलर चले और पूजे विदाई बिल्कुल तैयार खेलने के लिए, एक बार फिर शानदार शॉट, हवा में लहराती हुई गेंद, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर यहाँ पर स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है, मीडियम पेसर वहाँ पिटे हैं स्पिनर, ऑफ स्पिनर पे यहाँ पर किस्मत आजमाई अपनी, यहाँ पर एक बार फिर स्टेप अप किया और बिल्कुल सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजा पिताजी भी तैयार, यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, 4, 6 या 8 अंपायर के इशारे का हमें इंतजार, अब देखना है कि क्या है, ये छक्का है या 8। जी हाँ, 8 रन, शानदार 8। यानी जो आमतौर पर छक्के की जो सीमा तय की जाती है उससे यदि कोई शॉट 1.5 गुना दूर चला जाए तो उसे 8 कहा जाता है। इस तरह के गोल्स अगर असंभव नहीं तो आसान भी नहीं होते। दिलचस्पी का आलम तब और बढ़ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये कई खेलों के अंतरराष्ट्रीय कोच भी हैं। इनकी टीमों ने योगा और थ्रो बॉल में वर्ल्ड कप जीते हैं। रोलर स्केटिंग की टीम ने 3 बार लगातार एशिया कप जीता है और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इनको अपने पापा कोच मानते हैं। हर साल नेशनल में सैकड़ों गोल्ड मेडल्स जीतने वाले बच्चे इन्होंने ही तैयार किए हैं। ये खेल खेलते ही नहीं बल्कि इजाद भी करते हैं। क्रिकेट में 2020 के मैच का आविष्कार भी इन्होंने ही किया है। सबसे पहले सन 1999 में 2020 मैच की प्रतियोगिता इन्होंने ही करवाई थी। यही नहीं, एक नया खेल गुलस्टिक भी इन्होंने इजाद किया है जो कि पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुका है। गुल्ली डंडा, बेसबॉल और क्रिकेट के मिश्रण से बने इस खेल की 3 बार नेशनल प्रतियोगिताएं भी हो चुकी हैं।